मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज़। बात अब धनौरा रोड स्थित मदरसा दारुल उलूम की, जो एक वर्ष में तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उसकी दूसरी बिल्डिंग की संगे बुनियाद आज फिर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली के साथ ही समाजसेवी हाजी नासिर सिद्दीकी, हाजी जाहिद अंजुम अंसारी, मौलाना इकबाल ने किया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस तरह के इदारों की स्थापना से क्षेत्र में दीनी चिराग रोशन होंगे। उन्होंने इदारा मदरसा दारुल उलूम को अपना पूरा सहयोग देने की घोषणा करते हुए इसकी स्थापना को अहम बताया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने लोगों को रमजान की मुबारकबाद भी दी। कार्यक्रम में सपा युवा नेता परवेज अली, हाजी नासिर सिद्दीकी, हाजी अंजुम अंसारी, हाजी कय्यूम मंसूरी, मुजम्मिल मंसूरी, चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज, पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन मंसूरी, सभासद जफर सुलेमान, अब्दुल कय्यूम रायनी, मंसूर अहमद एडवोकेट, अनवार सैफी, अथर रिजवी, आले नबी, सादिक नबी पहलवान, तौसीफ हसन नकवी, हाजी खुर्शीद अनवर, पूर्व सभासद इकरार अंसारी, इकबाल अंसारी, शाकिर मलिक, जफर अब्बासी, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव चौधरी रियाजुल हसन सहित बहुत से लोग मौजूद थे। तालीम हो या दुनिया तालीम, अमरोहा की सरजमी हो या प्रदेश में, मुझे बेपनाह अच्छा लगता है उस इदारे के बीच में जाना और वो इदारा कैसे तरक्की करे, कैसे आगे बढ़े। मेरे कलम, मेरे टेलीफोन, मेरे कदमों से भी आगे बढ़ सकता है, तो हर हालात में मेरा प्रयास रहता है कि उसमें मेरा योगदान हो। आज मैं कहता हूँ कि एक साल के अंदर इस इदारे ने बड़ी तरक्की की है, जो दुनियाई तालीम ना देकर दीनी तालीम देता है। और इस इदारे के लिए मदरसा दारुल उलूम अमरोहा के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर कहीं मेरे जो एक मद है विकास की, उससे भी इसमें कोई धन खर्च हो सकता है, तो मैं हर हालात में करूँगा। जहाँ तक है मेरी हमेशा दुआएं भी रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और दीन में अगर कोई इल्म हासिल करता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी कौम ये पढ़ने के बाद में उसकी सोच अच्छी होगी और वो दुनिया को समझेगा, हमारे दीन को समझेगा। जहाँ तक है बिजली शेड्यूल से संबंधित, रमज़ान के महीने में हमने शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात में बिजली कर दिया, जो इबादत का ख़ास वक्त है। इसमें किसी भी वक्त में बिजली नहीं भागी। सभी संबंधित अधिकारियों से हम कह देंगे कहीं भी ट्रिपिंग ज़्यादा ना हो, और हर हालात में ट्रिपिंग पर विशेष ध्यान उस शेड्यूल के हिसाब से बिजली दी जाए, किसी कीमत पर अन्य कोई रोस्टिंग उसमें ना हो। दिन में कारोबारियों के हिसाब से भी हमने शेड्यूल बनाया है। प्रदेश में जितनी उपलब्ध है बिजली, खासकर इस मेरे ख्याल से मोहब्बत के और इस महीने का अलहदा अल्लाह की तरफ से अलहदा एक मुकाम है। मैं चाहता हूँ पूरी कौम के लिए दुआएं भी हम करते हैं, क्योंकि मैंने भी कि वो इस इबादत के महीने में इबादत भी करे, और जिस तरह से सदका अपने तरीके से भी हो, और जो एक टैक्स है कौम पर जकात का, वो भी इस महीने में बस्तूर अपने लोग दें, तो कहीं ना कहीं किसी गरीब का भला होगा। मेरे अमरोहा जिनकी दुआओं की बदौलत में बैठा हूँ, जिनकी दुआएं होती हैं, महबूब कभी मंत्री, कभी राज्य मंत्री, कभी कैबिनेट मंत्री, कभी ये विभाग, आज अल्लाह का करम है, ये अमरोहा वासियों की दुआएं और मेहनत की बदौलत है। महबूब तो हमेशा एक नौकर की तरह से आवाम के बीच में रहा है, अपनों के बीच में रहा है, और इंशाल्लाह रहूँगा। मैं एक बार अमरोहा वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद के साथ साथ उम्मीद में करता हूँ उन साथियों से भी कि ये अल्लाह की तरफ से बड़ी इबादत है, और मैंने शायद हो सकता है कि राजनीतिक जीवन मेरा रहा हो, आम महबूब का रहा हो, मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक कभी रमज़ान छोड़ा हो,
और कितनी मसरूफ ज़िंदगी मेरी रहती है वो भी सारा हम रूहावासी जागते हैं। आपकी दुआओं से मुझे हौसला मिलता है, मेरी दुआओं से भी अल्लाह से हम दुआ करेंगे अल्लाह उन लोगों को भी हौसला दे जो रमज़ान इसमें एक पूरी तरह से इसमें तर्क ना हो और उसकी अदायगी करें और हालात में रमज़ान रखें। मैं इन उम्मीदों के साथ फिर एक बार मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद। मैं सभी अमरोहा विधानसभा क्षेत्र वासियों को और जनपद वासियों को के साथ साथ प्रदेश वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही अपने सभी भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि रमज़ान के एहतराम के साथ और रमज़ान को एहतराम के साथ रखें तथा जो फ़र्ज़ हम लोगों पर हैं इस महीने में उनका ख्याल रखें। माहे रमज़ान की मैं दोबारा से सभी मुल्कवासियों को और अमरोहा वासियों को मुबारकबाद देता हूं और गुजारिश करता हूं कि सभी लोग इस महीने का एहतराम और एहतमाम करें। मैं अपनी जानिब से और दारुल उलूम अमरोहा वादी गुलाम रसूल की जानिब से शहर के सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि वह बाखूबी से रोज़े रखें और इस रमज़ान का एहतमाम करें और जितने हकूक़ हैं साथ खैर के वादा करें और जो फ़र्ज़ाइन जो फ़र्ज मुसलमान के ऊपर है वो इस महीने में बाखूबी अदा करें। दारुल उलूम अमरोहा के लिए ये तारीख़ी दिन है। आज के दिन गुज़िश्ता साल अमरोहा और अमरोहा के गयूर मुसलमानों ने वादिय गुलाम रसूल पर दारुल उलूम अमरोहा की शक्ल में संग बुनियाद रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक साल गुजरा है कि 3 बीघा आराजी पर 8 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी आगाज़ हो चुका है। हिफ्ज़ नाज़रा तजवीद व क़िरात और साले चहारुम की तक की तालीम का सिलसिला जारी रहा। आज फिर हमने अमरोहा के हमदर्द मुसलमानों को आवाज़ दी और वो सख्त धूप और सख्त गर्मी में हमारी इस हकीर सी दावत पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर एक आराजी फिर इस मदरसे का संग बुनियाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस इमारत की भी जल्द तकमील होगी। हम अपने तमाम अमरोहा के मुसलमानों का और अपने हमदर्दों का और अपने बहीखाओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, उनके जान व माल की हिफाजत फरमाए और खुसूसन इस मौके पर मैं अपने मोहतरम और मोहसिन भाई मोहम्मद अंजुम साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, अथर साहब, आले नबी साहब, सादिक नबी साहब और शहर के मुअज्ज़ज़ हजरात का पुरखलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे हर मौके पर दामे दिरम कदम सुखन ताउन फरमाया है और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला सब हजरात को कामयाबी अता फरमाए। मैं तमाम एहतराफ़ अमरोहा को माह रमज़ान की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम अहल एतराफ़ अमरोहा से इस चीज़ की गुजारिश करता हूँ कि अपने खुशु व खुजू के साथ इस रमज़ान के मुबारक और मुक़दस महीने का एहतराम करें और अपनी जानिब से इस चीज़ की एहतियात रखें कि हमारे जो और दीगर भाई हैं, हमारे देशवासी और जो हैं, उनका भी ख्याल रखें। हमारी इबादत से, हमारी तदाबी तिलावत से, हमारे और अहकामों से उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, उनका भी ख्याल रखें और रमज़ान का बहुत एहतराम करें। रमज़ान मुबारक का मुक़दस महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, आजमाइश का महीना है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारी तरफ दिया हुआ एक इनाम है, इसका पुरखलूस ख्याल रखें और इबादत में लग जाएं।